हेलो गुड इवनिंग बॉयज, हम लोग फिर से आ गया एक नया वीडियो लेके। आप लोग ने देखा इसका पहले हम लोग फिटनेस का ऊपर वीडियो बनाया था। आई होप कि आप लोग को काफ़ी उसमें इम्प्रूव हुआ है, उसका फीडबैक भी आया, काफ़ी अच्छा लगा है। अभी हम लोग जा रहा है कुछ बैटिंग स्किल बॉलिंग स्किल का ऊपर टेक्निक का ऊपर बात करने, तो होप आप उसको केयरफुली देखना सुनना नोट डाउन करना। चलिए आप यहाँ से चलते हैं मिडिल ऑफ द पिच में। पिलर होता है बैटिंग का, एक पिलर होता है, जैसा घर का एक बेस होता है पिलर होता है, ये तीनों पिलर है इसका, जिसका बहुत ही किफायती होगा। या तो बीच में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उससे लेके बात करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, आप खाली नोट डाउन करना या आप माइंड में सेट करना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रिप से, जो बैटिंग ग्रिप आपको पता है, बैटिंग ग्रिप क्या तो सबको पता है, जस्ट छोटे बच्चे के लिए बैटिंग का ग्रिप का जो होता है, भी ग्रिप होता है, दो टाइप का ग्रिप होता है, वो सिर्फ ग्रिप का हम बात नहीं करता है, भी ग्रिप का बात करेंगे कैसा भी ग्रिप को ले सकता है। ये जो बैट है आपको पता है बैट, ये हो गया हैंडल, ये हो गया स्प्लाइस, ये हो गया एज, आउटर एज। तो हम भी ग्रिप को कैसे मार्क करेंगे, जैसे आपका पास मार्कर है या कुछ भी है, आप इसका जो स्प्लाइस जॉइंट और जो आउटर एज है इसका बीच में हमको पॉइंट आउट करना है। ऐसा ऐसा आपने पॉइंट आउट किया या कुछ भी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका जो ये भी है, टॉप हैंड का भी है, ये जो भी टॉप हैंड का ये जो भी है इसमें मार्क करना। फिर हम उसको यहाँ से मेजर करेंगे, ऐसा करके मेजर करेंगे, दोनों पॉइंट एक साथ होना चाहिए। कहाँ पर हम पकड़ेंगे बैट को, मिडिल ऑफ द हैंडल में, ये मिडिल ऑफ द हैंडल, इसको सेम ऐसा मार्क करना। और नेक्स्ट जो आपका बॉटम एंड का ग्रिप है वो आएगा स्प्लाइस जो जॉइंट का बराबर होगा, ये जो आपका जॉइंट है इसका बराबर होगा, दोनों हाथ एक साथ होगा। दोनों हाथ कैसे होगा आपका, दोनों हाथ एक साथ मिडिल ऑफ द हैंडल जो पॉइंट है, जो हम बैट पकड़ता है, कोई टॉप हैंड पकड़ता है, कोई बैटिंग बॉटम हैंड पकड़ता है, लेकिन बेसिक जो है जो नॉर्मल ग्रिप है वो होता है आपका मिडिल ऑफ द हैंडल। इसमें एक एडवांटेज होता है कि इसमें ज़्यादा पावर मिलता है और उसमें कंट्रोल भी मिलता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, हम ग्रिप को इस टाइप का मिलाएंगे, ये जो भी ग्रिप है ऐसा करके मिलाएंगे बैट को, कहाँ पकड़ना है मिडिल ऑफ द हैंडल में, बॉटम एंड कहाँ पकड़ना है इसको, सीधा इस पर जो जॉइंट है उसका बराबर उसका भी फेस करेगा। सेकेंड और एक जो और एक एग्जाम्पल है, जैसा आपको पता है पहले जैसा आप सेम ग्रिप बनता है, ये हो गया सिंपल सा पॉइंट, बेसिक पॉइंट जो रिमाइंड आप लोग रिमाइंड करना क्या क्या है इसमें, जो बैट को कहाँ पकड़ना है, मिडिल ऑफ द हैंडल, टॉप हैंड बॉटम हैंड एक साथ ही रहेगा, और भी को कहाँ पॉइंट आउट करना है, आउटर एज और स्प्लाइस जो जॉइंट होता है उसका बीच में भी को पॉइंट आउट करना है, और जो बॉटम हैंड का पॉइंट आउट करना है वो है आपका मिडिल ऑफ द हैंडल में, यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। दिस वन ये सिंपल ग्रिप है इसका बॉयज, इसका एक छोटा सा ड्रिल है जो आप कर सकते हैं घर में, जैसा कि टॉप एंड का ग्रिप है,
आप ऐसा पकड़ा है, ऐसा लिया आपने, यहाँ पे होल किया, इसको यूँ चलाना, ऐसा करके फ्री उसका जो पेट फ्री जाना चाहिए, ऐसा आपको पता चल जाएगा उसमें से बैट का फ्लो पता चल जाए। इसको अगर थोड़ा भी घुमा दे तो बैट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसका फेस बंद हो जाएगा, तो भी बंद हो जाएगा, तो बस को पता चल जाएगा कि कॉमन क्या ग्रीप कर। ये है जैसा मेजर करना है, मतलब तो हैंडल में पकड़ना है, टॉप एंड फार्म रहेगा और बीच में रहेगा, दोनों हाथ बराबर रहेगा। ओके बॉयज, इसके बाद आपको आता है स्टांस। आपको पता है स्टांस कितना इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपका विकेट, ये हो गया आपका तीन विकेट। यहाँ पे हमने लेग गार्ड लिया, लेग गार्ड लिया, फिर हमें ये हो गया आपका ओपन स्टांस, ये हो गया नॉर्मल स्टांस, ये हो गया क्लोज स्टांस। तो हमें बेसिक जो है नॉर्मल स्टांस चूज करना है। इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि हम कहीं भी इसको फ्रंट लेग को लेके जा सकता है, इधर ऑफ साइड में ले सकता है, सीधा ले सकता है, या लेग साइड में ले सकता है। इसका ओपन और उसका कितना गैप होगा, कितना होगा कितना तक लेता है कि शोल्डर रोज का बट शोल्डर का साथ रख सकता है या शोल्डर का का। और एक की पॉइंट है कि इसका जो वेट है बॉल ऑफ द फीट, ये फीट पे आएगा ना, टो पे आएगा ना हील पे आएगा। आप जो मेरा जो दोनों लेग है स्लाइटली फ्लैक्स होगा, नॉट बेंड, स्लाइटली फ्लैक्स। इसमें एडवांटेज क्या है, उसमें आपका बैलेंस बराबर रहता है, कोई हम आगे जा सकता है पीछे जा सकता है। अगर हम सिंपल ऐसा खड़ा है तो हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो हम स्लाइटली उसको बेंड कर सकते हैं, स्लाइट बेंड, स्लाइटली फ्लैक्स होगा, स्लाइटली फ्लैक्स होगा। और मेरा जो ये जो मेरा दोनों पिच का ये बेस पॉइंट हो गया, मेरा जो हेड है ये साथ ही रहेगा, बेस पॉइंट का साथ रहेगा, मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, बेस पॉइंट पे रहेगा। और मेरा जो बैट का जो फेस है वो स्लाइटली टच करेगा, इसमें हल्का सा टच करेगा, मेरा जो हेड है सीधा रहेगा, ओपन फ्रंट शोल्डर हल्का सा खुला रहेगा, जैसे लेग साइड ओपन रहे ना ब्लॉक रहे। और मेरा जो हेड है दोनों का बीच रहेगा, जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा बैलेंस बराबर बना रहेगा। स्लाइटली अगर हम हेड को आगे ले गया तो हमारे बैलेंस का साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगा, या फ्रंट लेग आगे आ जाएगा, लेग साइड या ऑफ साइड बंद हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, की पॉइंट है, हमें रुकना है, सिंपल सा ग्रिप स्टांस लेना है, शोल्डर रोज तपट, दोनों शोल्डर का बाहर इसको रखना है, बैट यहाँ पे लिटिल टू टच करेगा बैट, हेड स्टील, अब आई स्टील हेड शुड भी फोकस पे फोकस करेगा बॉल का ऊपर। और हमारा जो निक है वो स्लाइटली फ्लैक्स रहेगा, स्लाइटली फ्लैक्स रहेगा, जैसे हमारा बैलेंस बराबर है। सिंपल सा पॉइंट है बॉयज, इसको आप वॉच करना और उसके ऊपर ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट है हमारा आ गया बैक लिफ्ट, हम बैट को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सा खड़ा है, बैट लिया है, सिंपल सा बैट लिया, हमारा जो राइट हैंड है उसको टॉप एंड होता है, लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड है उसको टॉप एंड होता है राइट हैंड। तो उसका जो हमारा बैक लिप है राइट हैंड है उसको मेन जो टॉप एंड से हम बैक को लिप करना है, क्या करें ऐसे करेंगे, जस्ट इसको यहाँ से पॉप करना है। और मेरा जो सपोर्टिंग हैंड है बॉटम हैंड है उसको जस्ट होल करके रखना है। बैट कहाँ से आएगा, विकेट कीपर या फास्ट स्लिप से बैट आएगा, लाइक हम उसको पॉप करेंगे और बैट का
जो फेस है स्लाइटली उसका रन दोगे स्लाइटली पॉइंट का तरफ बुला रहेगा जब तक फिर जब आप बैटिंग करेंगे जब फोकस आएगा मेरा सिंपल बॉटम एंड टॉप एंड से आपको लिफ्ट करना है बॉटम एंड जस्ट राइट हैंड बेस्ट पेन है जो वर्टिकल शॉट कर लिए वहाँ टॉप हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इससे हम लिप करना है अगर हम बॉटम हैंड से लिप करना स्टार्ट करें इसका जो बैक लिफ्ट है टोटली बंद हो जाएगा और इसको जो आगे जो फेस है उसका भी बंद हो जाएगा तो रिमाइंड करें उसको सिंपल सा पॉइंट है इसको माइंड करना है इसके लिए दो ड्रिल है आपका एक ड्रिल ऐसा है जो किसी को खड़ा करके आप ऐसा करके बैट लिप कर सकते हैं उसका हाथ में टच होना चाहिए ओनली सेकेंड आपका सेकेंड को राइट हैंड आपको पीछे रख के टॉप हैंड से आपको लिप करना है बैट को 50 times 100 times थर्ड आपका सिंपल सा ड्रिल है बॉल का सामने जाके बॉल रहेगा आपका कुछ भी है उसका सामने जाके बैट को सीधा सा लिप करना है अगर थोड़ा सा बैट इधर चला गया तो पता चल जाएगा क्योंकि हमारा जितना बैट सीधा आएगा स्ट्रेट आएगा बैक स्विंग डाउन स्विंग जितना अच्छा होगा उतना प्रॉपर शॉट को भी पावर मिलेगा उतना कंट्रोल भी मिलेगा तो ये चीज़ वॉइस ध्यान में रखना है आपको इतना सिंपल सा पॉइंट है ये बॉल रहेगा ये ऐसा यहाँ पे कोई रहेगा ऐसा हाथ पकड़ के उसका हाथ में टच होना चाहिए पहले बोथ हैंड फिर सिंगल हैंड फिर बॉल का सामने ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट आपका ड्रिल है ओके बॉयज़ आई होप की